एंटमोलॉजी की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजर स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट, देयर आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ डैमेज एंड मैनेजमेंट। अर्थात भंडारित अनाज में कौन कौन से प्रमुख कीड़े लगते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान, उनका जीवन चक्र, उनका क्षति प्रकृति और उनका प्रबंधन। तो ये जानने से पहले जरूरी है हम ये जाने कि जो स्टोरेज जो लॉसेस होते हैं वो फॉर्म लेवल और स्टोर लेवल पे किस प्रकार से होते हैं। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है ना, फसल कटाई के बाद के जो लॉसेस होते हैं वो लगभग लगभग 9.33% होते हैं, जबकि स्टोरेज करने के पहले जो लॉस होता है वो 2.75% होता है, और स्टोरेज करने के दौरान जो है वो 6.58 लॉस होता है। जब थ्रेसिंग की जाती है, थ्रेसिंग करने के दौरान, मिजाई करने के दौरान 1.68% लॉस रिकॉर्ड किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 0.15% लॉसेस होने की संभावनाएं होती हैं। प्रोसेसिंग के दौरान जब प्रसंस्करण किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है अनाज का, उस समय में 0.92% जो है आपका लॉस होने के चांसेस होते हैं। जबकि इंसेक्ट के जरिए जो है जो स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट है उनके जरिए लगभग 2.55% लॉस होने की संभावनाएं होती हैं। जो चूहे होते हैं, चूहे के जरिए जो है स्टोरेज लॉसेस जो होते हैं वो 2.50% होते हैं, जबकि पक्षियों के जरिए जो लॉसेस होते हैं वो 0.85% होते हैं। और जो अनाज में एक्सेस नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है, एक्सेस मॉइस्चर रहती है, उसके कारण से भी अनाज को क्षति पहुंचती है, और वह क्षति जो है 0.68% तक की हो सकती है। तो कोई भी जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, स्टोर्ड ग्रेन अनाज है या कोई भी मिल्ड प्रोडक्ट्स है ना, उनकी सामान्यतः लगभग लगभग 600 स्पीसीज है आज की तारीख पे होती हैं इंसेक्ट की, जो कि 34 फैमिलीज है ना, 34 फैमिलीज को बिलोंग करती है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये इंसेक्ट पेस्ट जो है वो स्टोर्ड ग्रेन को और जो प्रोसेस्ड फूड्स है, वाइल्ड प्रोडक्ट्स हैं है ना, उनको नुकसान करने का कार्य करते हैं। तो इनका जो है क्या इन्फेस्टेशन, जो ये आक्रमण करते हैं, इन्फेस्टेशन करते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहला है वेट लॉस, वेट लॉस अर्थात जब कभी भी इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन होगा तो अनाज का वजन जो है वो कम हो जाएगा। जर्मिनेशन लॉस है ना, अगर इंसेक्ट के जरिए जो ग्रेन या सीड है, सीड जो है वो अगर इन्फेस्टेड है तो उसका अंकुरण प्रॉपर नहीं होगा, अंकुरण प्रतिशत जो है वो कम हो जाएगा, इस प्रकार से जर्मिनेशन का भी लॉस होता है। इसकी जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसके अटैक के जरिए, उनके जो इन्फेस्टेशन के जरिए जो है उस अनाज की कॉमर्शियल वैल्यू है ना, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिलेगा, तो ये भी एक प्रकार का कॉमर्शियल वैल्यू लॉस है। कंज्यूमर प्रेफरेंस लॉस अर्थात जो उपभोक्ता होते हैं वे खराब अनाज, कीड़े से ग्रसित अनाज है ना, उन अनाज को प्रेफर नहीं करेंगे, इसलिए उसमें वो अनाज बिकने में प्रॉब्लम करता है। और जब इंसेक्ट का इन्फेक्टेशन होता है तब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स है ना, ये सब जो होना चाहिए, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसकी, न्यूट्रिशन वैल्यूज की भी कमी आती जाती है। और जो इंसेक्ट के जरिए इन्फेस्टेड होते हैं ग्रेन्स और सीड्स वगैरह, उनमें उनकी एक्सक्रीटा इंक्लूड होता है, एक्सक्रीटा होने के कारण से वो जो ग्रेन है या सीड है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। हीटिंग, हीटिंग अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है तो अनाज आपस में एक प्रकार का कैसे बॉल जैसी संरचना बन जाती है, आपस में जुड़ जाते हैं अनाज है ना, एक गुच्छों के जैसी संरचना बन जाती है, तो उसको कहा जाता है हीटिंग। तो हीटिंग
के जरिए भी जब इन्फेस्टेशन होगा तो हीटिंग होगी, हीटिंग के कारण से भी गुच्छे में जब अनाज बन जाएगा तो वो भी जो है वो एक प्रकार का लॉस होता है। और इन इंसेक्ट इन्फेस्टेड अनाज में क्या रहता है, नमी रहती है, एक्सेस मॉइस्चर रहता है, तो उसके कारण से फंगल ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फंगल ग्रोथ होने के कारण से उसमें कई प्रकार के टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो स्टोरेबिलिटी लॉसेस हैं वह भी इस इंसेक्ट पेस्ट के इन्फेस्टेशन के जरिए देखे जाते हैं। तो प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट है ना, जो स्टोर ग्रेन पे लगने वाले प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनमें सबसे पहला आता है राइस वीविल। राइस वीविल जिसका साइंटिफिक नेम है फिटोफिलस ओराइजी, जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है और उसकी जो फैमिली है कुर्कुलियोनिडी। ये इस चित्र में देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये एडल्ट है, ये एग है, लार्वा है और प्यूपा है। तो इसमें आगे एक एक करके हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो ये एडल्ट है ना, तो जो एडल्ट जो होता है राइस वीविल का, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल भूरे रंग का कलर का होता है और 2.5 से लेकर 4.5 मिलीमीटर लंबा होता है। और इसका जो ये सबसे बड़ी पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन राइस वीविल का ये है कि इसका जो सिर होता है वो एक प्रकार से सिलेंडर स्नाउट के जैसा है ना, स्नाउट के जैसा जो है एक लंबा ऐसा स्नाउट जैसे स्ट्रक्चर इसके हेड से निकला रहता है। और एंटीनी जो होती है वो एल्बोड अर्थात घुट जेनिकुलेट टाइप की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। और इसके जो प्रोथोरेक्स है ना, जो खासकर थोरेसिक रीजन में जो प्रोथोरेक्स रीजन है इन पे, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से ना संकंस है ना, राउंड शेप के अंदर दबे हुए है ना, ऐसे पंक्चर टाइप के कई सारे ऐसे गड्ढे गड्ढे से दिखाई देते हैं, वो जो होते हैं बहुत सारी संख्या में होते हैं, ये इनकी पहचान है। और इसके अलावा जो इसकी जो इलिट्रा होता है, जो फोर विंग्स हैं, फोर विंग्स जिसको इलिट्रा बोलते हैं, उसके ऊपर ये देखिए ये 1, 2, 3, 4 ये चार जो है हल्के से लाल और येलोइश स्पॉट है ना इलिट्रा पे पाए जाते हैं, जो कि इसका प्रमुख मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है। एडल्ट के बाद अब अपन बात करते हैं इसकी अंडे की। तो जो अंडा होता है वो फीमेल जो होती है वो क्या करती है, अनाज के अंदर एक छोटा सा होल बनाती है और होल बना करके अंदर अपने अंडे रख देती है ना। और ये अंडे जो हैं वो सिंगल अंडे दिए जाते हैं, और ये जो है अंडे हैं, अंडे देने के बाद फीमेल जो है इसकी जो आउटर कवरेज है, ये अनाज का जो आउटर कवरेज है उसको एक जिलेटिनस प्लग से है ना इसको कवर कर देती है, जिसके जरिए जब आप अनाज देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर अंडे दिए गए हैं। एग के बाद होता है आपका लार्वा है ना। तो इस इंसेक्ट का जो लार्वा है वो देखिए वो छोटा वाइट है ना, फ्लैशी मोटापन लिए हुए और लेगलेस पैर रहित होता है इसका लार्वा, जिसको कि ग्रब बोला जाता है ना। और इस अंडे से निकलने के बाद लार्वा इसी सीड के अंदर, इस ग्रेन के अंदर ही रहता है, इससे बाहर नहीं आता है। और जो लार्वल स्टार्च है उसकी जो है चार संख्या होती है, चार लार्वल स्टार्च के बाद यह जो है प्यूपल स्टेज में जाता है, प्यूपल स्टेज है ना प्यूपा। तो इसका जो प्यूपा होता है, जब ये फुली ग्रोन लार्वा हो जाता है वो इसमें प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इनसाइड द ग्रेन है ना, ग्रेन के अंदर ही इसकी प्यूपल स्टेज होती है। इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है अर्थात एग से लार्वा निकलने का जो है वो 5 दिन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लार्वल पीरियड 15 दिन का होता है, जबकि प्यूपल पीरियड जो है वो 6 दिन का होता है। इसकी जो नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो दोनों एडल्ट और लार्वी, ये देखिए इंसेक्ट हैं है ना, ये सब दिखा रहे हैं इस अनाज में है, तो ग्रब और एडल्ट दोनों जो है आपका इसकी डैमेजिंग स्टेजेस हैं। और ये दोनों जो हैं जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं उनको बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्पीड से खा करके ख़त्म करते हैं।
है ना। और ये जहां तक कि बहुत स्ट्रांग फ्लायर नहीं होते उड़ने के लिए, लेकिन जहां तक उड़ जाते हैं वहां तक जो है ये क्या कर देते हैं, इंसेक्ट को, वो इंसेक्ट के जरिए सीड को इन्फेस्टेड करते हैं, है ना। और ये जो है आपका उड़ करके जो फील्ड कंडीशंस होती है, फील्ड में भी अगर मान लीजिए धान या गेहूं लगा है तो उसमें भी फील्ड कंडीशन से भी ये इन्फेस्टेशन करते हैं। हैवी इन्फेस्टेशन के केस में केवल अनाज की बाहरी खोल बस बचती है, अंदर का जो एंडोस्पर्म है, अंदर का जो कंटेंट होता है वो ये सब इंसेक्ट है वो खा लेते हैं, और इसमें जो है केवल अनाज की बाहरी सोर्स पर नजर आता है। एक एनल जो है लगभग लगभग उनकी जो लाइफ होती है वो लगभग 4 से 5 महीने की उनका लाइफ स्पान होता है। दूसरा इंसेक्ट है लेजर ग्रेन बोरर, राइजियोपर्था डोमिनिका, जिससे की ऑर्डर है पोलियोप्टेरा, फैमिली है बोस्ट्रिचिडी। ये इसकी चित्र है, इसमें एडल्ट एग, लार्वा और पीपा दिखाया गया है। एडल्ट है तो इस इंसेक्ट का जो राइजियोपर्था डोमिनिका का एडल्ट जो है वो 2.5 से 3 मीटर लंबा होता है ना। और इस पे ये देखिए भूरे और लाल रंग के जो है ना, ये इसकी बॉडी होती है, और इसकी जो बॉडी होती है वो भूरे और लाल रंग की होती है और चमकदार होती है ना, चमकदार होती है। और इनकी जो हेड होता है, जब आप ऊपर से देखेंगे डॉर्सल साइड से, तो इनका जो हेड है वो नीचे की ओर होने के कारण से विजिबल नहीं होता है। और जो इसकी एंटीनी होती है, ये देखिए एंटीनी जो है ना 10 सेगमेंट्स होती है, और जो लास्ट के जो 3 सेगमेंट्स होते हैं वो क्लब शेप एंटीना में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो एंटीनी होती है वो क्लब टाइप की एंटीनी होती है। एडल्ट के बाद है आपका एग, है ना। तो ये जो एडल्ट के एग है वो एक फीमेल जो होती है वो लगभग लगभग 300 से 400 अंडे है ना, वहाँ पे जितने भी जो क्रिवाइसेस हैं, है ना, क्रिवाइसेस हैं, रफ सरफेस है ना, फीट में और जो है आपका फीट में रफ सरफेस और क्रिवाइसेस रहेगा और उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, नहीं तो ये मर जाता है या इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। ये जो है ये लार्वा है, देखिए ये लार्वा होता है ना कैसा व्हाइट कलर का होता है, और इसके साइड में है ना पैरेलल साइड में जो है, और ये बहुत एक्टिव लार्वा होता है ना, और ये ब्रेन को बोर करता है, अगर बोर नहीं कर पाएगा ना 48 घंटे के अंदर तो या तो ये मर जाएगा या इसकी लाइफ साइकिल जो है बहुत कम ही है जो कम्प्लीट हो पाती है। और जितना पुराना लार्वा रहेगा, ये देखिए कर्व शेप का लार्वा रहेगा ना, बॉडी पूरी बंजी रहेगी, मोटा पर लिखे हुए रहेगी, और पूर्ण लार्वा डिस्चार्ज होते हैं है? और इसके जो प्यूपेशन जो है वो भी कर्नल के अंदर है ना, सीड के अंदर ही जो है प्यूपेशन होता है। ऊपर स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो लगभग लगभग 1 सप्ताह की होती है। इसके अलावा अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस और 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अनुसार से इसकी लाइफ साइकिल देखें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 दिन, लार्वल पीरियड 18 दिन और पुपल पीरियड 4 दिन का होता है। दोनों लार्वी और एडल्ट है ना, इनमें दोनों जो है इसको इनकी डैमेजिंग स्टेज होती है ना, और ये कई प्रकार के अनाजों को नुकसान करता है, और ये वोरेशियस फीडर होता है, बहुत तेजी से नुकसान करने का कार्य करता है। ये जितना खाता नहीं है उससे ज्यादा जो है उस अनाज को नुकसान करने का कार्य करता है। और ये जो है लकड़ियों में भी मिलता है, साथ साथ जो बादाम काजू प्रोसेस्ड जितने भी फूड स्टफ्स हैं है ना उनमें भी ये पाया जाता है ना? और जब इसका हैवी स्मेल होगा तो केवल सेल आउटर कवर पर बच जाता है, जिसमें कि कई इरेगुलर होल्स है ना, इरेगुलर होल्स दिखाई देते हैं, और साथ साथ पास में उसका फ्लोर आटा गिरा हुआ दिखाई
पोटा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम पोटा बीटल ऑर्डर कोलियोप्टेरा एमडी डर्मेंस जी ये क्षेत्र में इसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एडल्ट है ट्रोगोडर्मा एग लार्वा पीपा दिखाया गया है। तो इसमें एडल्ट जो होता है ना, ये एडल्ट जो होता है ओवल शेप का होता है, डार्क ब्राउन है ना बीटल होता है, जिसकी की लंबाई 1.5 से 3 मिलीमीटर होती है। और ये जो है आपका देखिए चमकदार, और इनके पूरी बॉडी में है ना, पूरी बॉडी में जो है आपका छोटे 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 बारीक बारीक से हेयर पाए जाते हैं ना, ठीक है। और फीमेल जो होती है वो बल्जी होती है, लाइटर कलर होती है और मेल की तुलना में, बट फीमेल का जो साइज होता है वो मेल की तुलना में बड़ा होता है। इसका जो एग है एक फीमेल जो है लगभग 125 अंडे है ना वो फूड स्टफ के अंदर जो है लूजली देती है। और इसके जो लार्वा की बात करें तो इसका जो लार्वा है वो येलोइश ब्राउन रंग का लार्वा होता है, स्पिंडल शेप्ड लार्वा होता है, और जो कि 5 मिलीमीटर लंबा होता है, और इसके चारों ओर बारीक बारीक से पूरे हेयर से ढका रहता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसकी जो एंड है ना एब्डोमेन के एंड पे ना दो जो है आपका बाल है ना टाफ्ट जैसी संरचना, बालों जैसी संरचना होती है ना, और ये जो है आपका एक पूंछ के जैसी हाइट देता है इसका लार्वा। है कि इसकी पूंछ निकली है, ये इस लार्वा की पहचान का सबसे बड़ा तरीका है। प्यूपेशन जो है वो आपका जो लास्ट लार्वल स्टेज है उसमें रहता है, और जब आप देखेंगे तो ये बैक साइड इस तरफ से ऐसा हटा हुआ ओपन दिखाई देता है। इसकी लाइफ साइकिल देखें तो जैसा जैसा लार्वा जो है आपका लाइफ हाउस में चला जाता है, और ये लाइफ साइकिल है वो 4 वीक से लेकर कई साल तक की होती है। ये निर्भर करता है किस तरीके का फूड दिया जा रहा है और किस तरीके का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है उसके अकॉर्डिंगली इसकी लाइफ साइकिल डिसाइड होती है। तो ये लाइफ साइकिल 4 सप्ताह से लेकर के कई सालों तक की हो सकती है। इसका जो ये देखिए जो डैमेज है जरा डैमेज देखें तो लार्वा जो है बहुत ज़्यादा ना आपका सीरियस स्टोर प्रोडक्ट पेस्ट होता है ना, जितना ये एडल्ट खाता नहीं है उससे ज़्यादा जो है ये पूरा इसको क्या कर देता है ऊपर का फ्लोर के आटे के जैसा बना देता है अनाज को है ना। और इसकी जो शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है 10 से 19 दिन की, तो होने के कारण से कई प्रकार के सीरियल ग्रेन्स, सीरियल प्रोडक्ट्स, पल्स, नट्स, ऑयल सीड केक, फिश मील एक्सेट्रा सभी को खा करके पूरा का पूरा जो है वो खत्म कर देता है। केवल उसका हस्त बस जो होता है वो बचता है, बाकी का पूरा पूरा नुकसान हो जाता है। पल्स बीटल इसका साइंटिफिक नेम है कैलसो ब्रूचस टाइनेंसिस, ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, फैमिली है ब्रूसिडी। इस चित्र में इसकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये एडल्ट एग लार्वा और पीपा दिखाया गया है एडल्ट है। तो इसका जो एडल्ट होता है वो ओवल शेप का होता है, ब्राउनिश भूरे ग्रे रंग का होता है, और इसकी बॉडी बड़ी ही कॉम्पैक्ट होती है ना, और इनके ऊपर थोड़े छोटे से हेयर्स पाए जाते हैं। एंटीनी जो होती है वो सीरेट टाइप की एंटीनी होती है, और इसके जो ये देखिए आपको नेक शील्ड पे है ना गर्दन की तरफ जो है दो प्रोजेक्शंस जो होते हैं है ना, जो व्हाइट हेयर कलर से है ना, ठीक है, किसके जो गर्दन के पीछे तरफ जो है दो प्रोजेक्शन सफेद रंग के है ना, आपके बालों के गुच्छों जैसे जो है आपका मिलते हैं। ये इसका एक माइनस मार्क पड़े इसके अलावा जो लिस्टा होता है चार प्रोमिनेंट स्पॉट्स पाए जाते हैं पल्स बीटल में, और जो इलेट्रा होता है अर्थात जो फोर विंग्स है वो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक को पूरा कवर किया हुआ रहता है। ये इसकी प्रमुख पहचान करने का तरीका है। और जो अंडे हैं जो फीमेल होती है वो केवल लेग्यूमिनस सीड्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, याद रखिए। ये जो पल्स बीटल है यह केवल दलहनी फसलों में ही पाया जाएगा, ये किसी भी प्रकार की खाद्यान्न फसलों तिलहन फसलों उसमें अटैक नहीं करता है। ये केवल केवल लेग्यूमिनस क्रॉप है ना, लेग्यूमिनस सीड, लेग्यूमिनस ग्रेन पे ही अटैक करने का कार्य करता है ना। और जो है एग्स जो होते हैं ये किसी के जो सीड होते हैं सीड के ऊपर की ओर चिपका करके फीमेल के द्वारा रख दिए जाते हैं। जो लार्वा होता है ना ये देखो फ्लैशी है ना, मोटा सा होता है, कर्व शेप का होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है,
और ये अंदर बोर करके, बरो करके, छेद करके सीड के अंदर घुस जाता है और कई सारे लार्वा जो है उसके अंदर घुस जाते हैं सीड के अंदर, बट केवल एक ही लार्वा जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है, है ना। और इसका जो प्यूपेशन होता है ना, प्यूपा जो लार्वा के बाद जो लास्ट स्टेज जो होती है वो लार्वा जो होती है उसकी लास्ट स्टेज जो होती है वो एक सर्कुलर फ्लैप करके काटती है सीड कोट के आउटर साइड पे, है ना, और वहां से जो है आपका इनसाइड द सीड ही इसका प्यूपेशन होता है, है ना। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये दिखा रहा है कि ये अंडे दिए, अंडे इसके ऊपर चिपके रहते हैं, यहीं से लार्वा अंदर द्रव अंदर घुसता है और घुस करके ये देखिए, है ना, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा डेवलपमेंट होता है, यहाँ से एंटर करता है और एंटर करके इस तरीके से जो है ना एक चैम्बर बनाता है जिसमें कि लार्वा ये फीड करता है और यहीं पे लार्वा जो है प्यूपा और एडल्ट स्टेज में यहीं यहीं चला जाता है ना। और आपको दिखाई देगा कि ये सीड किसी प्रकार का डैमेज नहीं है, लेकिन इसी के अंदर सीड के अंदर वो इंसेक्ट रहता है। और इसके बाद जो है आपका जब आप देखेंगे तो इसमें ऐसे छेद दिखाई देंगे, है ना, पल्स में ऐसे, लेकिन एक ही होल होता है जिस एडल्ट इंसेक्ट को कहते हैं इमर्जेंस होल, इससे केवल एडल्ट इंसेक्ट, इसमें कितने भी एग दिए हुए हैं बट एक ही एडल्ट जो है इससे इमर्ज होकर के बाहर निकलता है और देन उसके बाद फिर से आपका एग लेइंग की प्रोसेस होती है। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 70 लाइफ साइकिल होती है वो इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का, लार्वा पीरियड 3 दिन का और प्यूपल पीरियड 5 दिन का होता है पल्स बीटल का। तो इस प्रकार से इसका जो अगर हम नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो ये देखिए इस चित्र में दिखा रहा है, इसमें ऐसे होल्स दिखाई देंगे आपको, लेकिन केवल और केवल एक इंसेक्ट ही जो है उसकी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, है ना, और लार्वल स्टेज ही इसकी प्रमुख रूप से डेंजरस स्टेज होती है ना, जबकि एडल्ट जो होता है इसमें वो हार्म नहीं करता है ना, और केवल पल्स में अटैक करेगा, फील्ड में भी करेगा, थ्रेसिंग यार्ड में भी करेगा और स्टोर्ड जो जहाँ पे अनाज है दलहन रखी है वो उसको नुकसान करता है। और ये होस्ट स्पेसिफिक करता है, केवल दलहनी फसलों में ही आक्रमण करेगा, है ना, खाद्यान्न और तिलहनी फसलों में आक्रमण नहीं करेगा, है ना। एक और इंसेक्शन जिसको बोलते हैं रेड रस्ट फ्लोर बीटल, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, है ना, ऑर्डर फोलियोफेरा फैमिली टेनिब्रियोनिडी, ना, ये इसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिखाए गए हैं। तो इसके जो एडल्ट होते हैं ये देखिए एडल्ट जो है 3 से 4 मिलीमीटर लंबा होता है, स्लिम दुबले पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, रेडिश ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, और ये जो है आपका इसकी जो एंटीनी के जो टर्मिनल सेगमेंट हैं वो छोटे छोटे से गदाकार, है ना, इसीलिए से गदाकार एंटीनी इसमें पाई जाती है। इलेक्ट्रा जो होते हैं वो आपका पंक्चर्ड लाइंस सेपरेटेड लाइंस होती हैं बहुत फाइन फाइन रिप से और लंबी लॉन्जिट्यूडिनल लाइंस इसके शरीर पे पाई जाती हैं। ये इसका एग है, जो एग होते हैं वो क्या होता है छोटे छोटे से एग दिए जाते हैं जो कि फूड स्टफ जो भी अनाज है अनाज के ऊपर की ओर दिए जाते हैं, है ना, और ये जो होते हैं ये छोटे होने के साथ साथ जो है आपका ये अंडे डिवाइड प्लांट होते हैं भाई जो चिपके हुए रहते हैं, है ना, और एक जो फीमेल होती है लगभग 6 से 15 दिन के अंतर्गत लगभग 400 से 500 अंडे, है ना, और 2 से 3 अंडे जो है लगभग लगभग इंडिविजुअली पर डे एक दिन में 2 से 3 अंडे देती है। और एग जो होते हैं व्हाइट कलर की है ट्रांसपोर्टेंट और स्टिकी होते हैं, ये अनाज से चिपके हुए रहते हैं, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। और इसका जो लार्वा है ये देखिए लार्वा जो होता है व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे लार्वा स्टेज बढ़ती जाती है ये जो है आपका येलो रंग का या ब्राउन रंग का हो जाता है। इसमें जो माउथ पार्ट होते हैं वो डार्क होते हैं और इसकी जो बॉडी होती है वो इलांगेटेड सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इसके जो लास्ट है ब्राउन सेगमेंट है उसके 2 स्पिंडल शेप अर्गोम्फी होते हैं, इसको बोलते हैं अर्गोम्फी, है ना, ये अर्गोम्फी दो पाई जाती है, यही इसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ना, अर्गोम्फी दो पाई जाती है लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स में और लगभग 7 से 8 स्टार्च होते हैं। प्यूपा जो होता है वो व्हाइटिश
व्हाइट कलर का सफेद से पीला भूरे रंग का होता है, नेगेट फूफा, ये देखिए ये इसका वेंट्रल व्यू है ना, नीचे से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, और ये ऊपर से देखेंगे डॉर्सल व्यू से ऐसा दिखाई देता है ना, अनप्रोटेक्टेड रहता है ना? और पीपल स्टेज होती है 5 से 9 दिन की होती है, और एडल्ट जो है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट में आ जाता है। इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आधार पर इसकी लाइफ साइकिल में इंक्यूबेशन पीरियड 8 दिन, लार्वल पीरियड 15 दिन और पीपल पीरियड 7 दिन का होता है। इसकी नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो लार्वी और एडल्ट दोनों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो कि कई प्रकार के स्टोर ड्रेन्स है ना, वे ये अटैक करते हैं, है ना, जितने सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं, स्प्लिट पल्सेस हैं, फ्लोर हैं, आटा है, उसमें भी ये आपका आटे पे भी अटैक करने का कार्य करता है, और जो मटीरियल जिसके जो इंटेस्टाइन होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, उस अनाज से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। और वो क्यों होता है, क्योंकि एडल्ट इंसेक्ट होता है वो सिक्रीशन वो करता है, सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं क्विनाइन सिक्रीशन, है ना, और जिसके कारण से उस कंटामिनेटेड मटेरियल से बदबू आने लग जाती है। एंजिमस ब्रेन मॉथ एक और इंसेक्ट है जिसको एंटिक नेम है साइटोट्रोगा सीडियलेला। इसमें इसका ऑर्डर देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंसेक्ट पढ़े वो पोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट थे, यह जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, साइटोट्रोगा सीडियलेला एंजिमस ब्रेन मॉथ फैमिली जिलैटिडी। ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिखाई गई है ना, तो ये स्टेटस है वो आपका एक कलर का मतलब सफेद पीला, मतलब जो स्ट्रॉ कलर होता है लगभग वही हे कलर कहलाता है, और उसका जो विंग स्पान है वो 10 से 18 मिलीमीटर का होता है, और इसकी जो लेबियल पैल्प्स हैं माउथ पार्ट के जो हैं वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और शार्पली पॉइंटेड होते हैं। फोर विंग्स होते हैं वो पेल ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि हैंड विंग्स जो होते हैं ये देखिए बार कटे कटे फिंज टाइप्स विंग्स जिसको बोला जाता है, फिंज टाइप्स अर्थात हेरी विंग्स है ना, हेरी विंग्स पाए हो जाते हैं, और ये जो विंग्स हैं वो अपने टिप पे है ना किनारे की ओर कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इसके जो अंडे देखे हुए तो जो एक फीमेल होती है वो सिंगली और गुच्छों में अंडे देती है, कहाँ जो ग्रेन्स होते हैं सीरियल ग्रेन्स पे ज्यादातर अंडे दिए जाते हैं, और सीरियल ग्रेन्स से बाहर की ओर आउटसाइड पे ये फीमेल जो है अंडे देती है ना, और एग के देने की जो क्षमता है वो 200 है ना, 5 से 10 दिन की लाइफ साइकिल में 200 अंडे तक वो देने की क्षमता रखाती है। लार्वा जो होता है वो करनाल में बोर कर देता है, और बोर करके अंदर रह करके उसको डैमेज करने का कार्य करता है। इसका जो प्यूपा देखेंगे तो प्यूपेशन भी जो है वो कहाँ होता है, इनसाइड द करनाल है ना, सीड के अंदर ही इसका प्यूपेशन होता है ना? और ये एक प्रकार का चेंबर बनाता है, और चेंबर बना करके इनसाइड अंदर रह करके आपका छोटा सा स्मॉल सर्कुलर विंडो बना करके उसी के अंदर ये प्यूपेशन देता है, प्यूपेशन होता है। एडल्ट जो होती है इसमें एक देखिएगा आपका जो एडल्ट जो होते हैं ना वो सीड पोर्ट को एक छोटा सा ना जिलेटिन जैसा है ना, एक छोटी सी मेम्ब्रेन रहती है, उस मेम्ब्रेन को धक्का देता है, छोटा सा कट रहता है, और उससे जो है एडल्ट निकल करके बाहर निकल जाता है ना? और ये सामान्यतः जो है सीड के बाहर है ना आउटर एज पे दिखाई देता है, ये इसका होल जहाँ से एडल्ट इमरजेंस होता है। इसका बात डैमेज ही करें तो नेचर ऑफ डैमेज है जो भी गर्म रीजन है ना, वार्मर रीजन पे है जो मौत होती है वो ग्रेन को फील्ड में भी और इन्फेस्टेशन फील्ड में भी होता है इसका है ना, और जो कोल्डर क्लाइमेट होते हैं ये जो है उसमें सीड के अंदर जो स्टोर्ड ग्रेन रहते हैं उस पर इसका डैमेज देखा जाता है। और एडल्ट होते हैं क्योंकि ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है इसलिए गुड फ्लाइट उड़ने में अच्छे सक्षम होते हैं ना, और साथ ही साथ जो बल्क ग्रेन्स है ना अपर मोस्ट एक्सपोज लेयर पे ज्यादातर ये नजर आते हैं, वहीं पे ज्यादातर ये डैमेज करते हैं, और ये होल सीरियल ग्रेन्स का एक प्राइमरी पेस्ट होता है। अब बात करते हैं हम लोग इनके मैनेजमेंट की, तो इंसेक्ट कंट्रोल स्टोर्ड ग्रेन के जो भी अभी हम लोगों ने पेस्ट पढ़े उनके कंट्रोल करने के लिए दो तरीके होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स और क्यूरेटिव मेथड। प्रिवेंटिव मेथड अर्थात जब तक इंसेक्ट पेस्ट का इंफेस्टेशन नहीं हुआ है तो जो तरीके अपनाएंगे वो कहलाएंगे प्रिवेंटिव मेथड, और उसके तहत ड्रेनेज है ना अर्थात ड्रैज, ड्रैज बोलते हैं ड्रैज मतलब सुखाना, डस्ट को मिक्सिंग करना, सोलराइजेशन धूप में सुखाना, ये सब प्रिवेंटिव मेथड के तहत आते हैं।
और जब इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो जाता है अनाज के ऊपर, उसके बाद जो उपचार अपनाए जाते हैं उनको कहा जाता है क्यूरेटिव मेथड, तथा उपचार कीड़े लगने के बाद उपचार करना है ना, तो उसमें स्प्रेइंग मेलाथियन, डेल्टा मेथिन, फ्यूमिगेशन करना, ये सब क्यूरेटिव मेथड के तहत आते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड में सबसे पहला जो अपन जैसे देखेंगे ध्यान कुछ पॉइंट को देना है हमको, तो कोई भी जो नए ग्रेन्स को स्टोर करना है तो हम क्लीन गोडाउन में या क्लीन रिसेप्टिकल, क्लीन जो है गनी बैग्स या ग्रीन कोठियां हैं है ना, जिसमें अनाज को रखना है हमको, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जितने भी जो स्टोर्ड जो स्टोरेज रूम है ना, गोडाउन है, उनके जितने भी छेद हैं है ना, छेद हैं और जितने भी क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस हैं, होल्स हैं है ना, उन सबको क्या कर देना है, भर देना है ना। और अगर उसके बावजूद भी जो है इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसका हम लोगों को सरफेस ट्रीटमेंट करना है। सरफेस ट्रीटमेंट किसके जरिए करना है, तो जो भी पुराने गनी बैग्स हैं, जो भी जो जूट के बोरे हैं, उनको डिसइंफेक्ट करना है 0.0125% फेनवल रेट 20 EC या साइपरमेथ्रिन 25 EC 10 मिनट के करना है, देन उसको शेड में सुखा देना है, और जब पूरा सूख जाए तभी उसमें अनाज भर करके रखना है। या कोई भी जो एम्प्टी गोडाउन है ना, गोडाउन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, या रिसेप्टिकल्स हैं, अनाज की कोठियां हैं, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए 0.05% मेलाथियन इमल्शन को ले करके उसको डिसइंफेक्ट करना है गोडाउन को, या वॉल्स पे, दीवालों पे, फ्लोर पे, जमीनों में और सीलिंग के ऊपर, छतों पे जो है इसका स्प्रे करना है। सीड ट्रीटमेंट, कोई भी जो अनाज है उसको क्या करना है, मेलाथियन 5% 250 ग्राम पर क्विंटल सीड के अनुसार से सीड ट्रीटमेंट करना है। फिर ग्रेन ट्रीटमेंट, एक क्विंटल जो है आपका अनाज के लिए 25 ml मेलाथियन 50 EC या 2 ml फेनोल रेट 20 EC या 1.5 ml साइपरमेथ्रिन 25 EC या 14 ml डेल्टा मेथिन 2.8 EC% का उपयोग करके भी हम लोग इसका इंजोग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स को अपना करके हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल बहुत आसानी से कर सकते हैं।